हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो कार्टिलेज, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिफोर गोइंग टू द कार्टिलेज, वी मस्ट नो हमारी बॉडी के अंदर चार टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज फॉल्स अंडर द कनेक्टिव टिश्यू कैटेगरी। ऑल राइट, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हेयर विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन का फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। नेक्स्ट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है टू स्टोर द एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ फैट्स और लिपिड्स। एंड इट्स अदर फंक्शन इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट लॉस हो जाता है तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, सो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट समथिंग रिलेटेड टू कनेक्शन। सो कार्टिलेज जो है वो बाइंडिंग का काम करता है। ये जो है इसका फंक्शन होता है बाइंडिंग करना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की। इट इज सेमी रिजिड इन नेचर। ना ही ये प्रॉपरली रिजिड होता है, ना ही ये प्रॉपरली इलास्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बोन जो है वो प्रॉपरली रिजिड होती है एंड मसल प्रॉपरली इलास्टिक होता है, इलास्टिक इन नेचर होती है। सो कार्टिलेज जो है इन दोनों के बीच में फॉल करता है। ना ही प्रॉपरली रिजिड, ना ही प्रॉपरली इलास्टिक, इट इज सेमी रिजिड। कार्टिलेज जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं अपीयरेंस के अंदर एंड दे आर इलास्टिक एंड स्मूथ विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ कार्टिलेज के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर विद द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स के साथ कॉन्ड्रोसाइट जो हैं एम्बेडेड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। इफ कोलेजन फाइबर्स आर मोर, इट मींस दे आर मोर टफ। इफ इलास्टिक फाइबर्स आर मोर, देन दे आर मोर इलास्टिक। ऑल राइट, कॉन्ड्रोसाइट जो है वो हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द लेक्यूने। दे आर द लेक्यूने, डिफरेंट डिफरेंट लेक्यूनेस। ऑल राइट, नाउ कार्टिलेज जो है वो एवास्कुलर होते हैं। इट मींस इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। इट मींस देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन। एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। देयर इज नो ब्लड सप्लाई एंड दे आर ए न्यूरल। न्यूरल मींस नर्व। इट मींस इनके अंदर नर्व्स भी एब्सेंट होती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स? There is no blood vessels inside them, no nerves inside them. So cartilage के जो हैं जो surrounding structures होते हैं उनसे diffusion के through nutrients लेते हैं। By the process of diffusion, they take up nutrients from the surrounding structures. Now we'll discuss about the function of cartilage. Cartilage जो है एक support system की तरह काम करता है। For example, like cartilage हमारे external ear के प्रेजेंट होता है ऑन द टिप एंड सेप्टम ऑफ द नोज। इट एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट एज अ कुशन।
जब जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट होती है, जब दो बोन्स मूव करती हैं, तो कार्टिलेज जो है वो कुशन की तरह काम करता है। इट एब्जॉर्ब द शॉक, इट एब्जॉर्ब द शॉक, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। इट मींस इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन एंड इंजरी, इंजरी और फ्रिक्शन ना हो, कार्टिलेज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं शॉक को। नेक्स्ट फंक्शन इज दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बोन्स, ज्वाइंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अदर स्ट्रक्चर्स को जो है ज्वाइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एपिग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस पे जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रिवेंट द कोलैप्स, कार्टिलेज जो है वो कोलैप्स और डैमेज को प्रिवेंट करते हैं इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया हमेशा ओपन रहे इसलिए जो है कार्टिलेज जो है वो कोलैप्स एंड डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। एंड अदर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द रिब एंड्स, हमारी रिब्स के एंड्स पे भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज जो कि हेल्प करता है रिब्स को आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में। ऑल राइट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट इज फिब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। फिब्रो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके बेस पे तीन टाइप्स के कार्टिलेज हैं। फिब्रो कार्टिलेज के अंदर सबसे कम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नाउ कम टू हाइलिन कार्टिलेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ओनली द हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट। सेवेंथ वीक के बाद, आफ्टर द सेवेंथ वीक, दिस हाइलिन कार्टिलेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन प्रोसेस की हेल्प से जो हाइलिन कार्टिलेज है एम्ब्रियो के अंदर वो बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑल राइट, नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट कॉमन होता है और मोस्ट अबंडेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज मोस्ट अबंडेंट। इसका अपियरेंस होता है ग्लास लाइक बिकॉज इट इज क्वाइट स्मूथ एंड शाइनी इन अपियरेंस एंड इट्स कलर इज ब्लूइश वाइट। ऑल राइट, कार्टिलेज जो है वो ज्यादा थिक नहीं होते हैं, इट इज 2 to 4 mm इन थिकनेस, बिकॉज अगर ज्यादा थिक होंगे तो वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलेजन फाइबर्स, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज का फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट, एंड इनकी लोकेशन होती है ऑन द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन एट द, और वी कैन सी द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। एज आई टोल्ड यू, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन के अंदर जो है हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो ऑसिफिकेशन की हेल्प से आफ्टर द सेवेंथ वीक इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू बोन। कम टू फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज जो है वो टफेस्ट होता है, इट इज टफेस्ट एंड इट इज व्हाइट इन कलर बिकॉज इसके अंदर व्हाइट कोलेजन फाइबर्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं फिब्रो कार्टिलेज के अंदर। नाउ फंक्शन क्या होता है, ये एक सपोर्टिव टिश्यू की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, इट एक्ट एज अ सपोर्टिव टिश्यू एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द आर्टिकुलरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट के आर्टिकुलरी स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट होता है फिब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर एज वी नो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज वेरी इलास्टिक इन नेचर।
एंड वेरी इलास्टिक इज नेचर ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा हाई इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर इलास्टिक इन नेचर एंड दे आर क्वाइट येलोइश इन कलर. ऑल राइट, नाउ इनके अंदर जो है टाइप टू कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इलास्टिक कार्टिलेज का फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लस शेप को मेंटेन करना. एंड दे आर लोकेटेड इन आवर ब्लड, एपिग्लोटिस एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन आवर पिन्ना एंड द लोब ऑफ ईयर. All right, I hope you understood the difference between these three. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.